स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। MA फाइनल के प्रिय विद्यार्थियों, आपके ग्रुप बी के पेपर सेकंड पेपर डिप्लोमेसी थियोरी एंड प्रैक्टिस के लिए आज हम अध्ययन करेंगे शिखर राजनय के संबंध में, समिट डिप्लोमेसी के संबंध में। शिखर राजनय से तात्पर्य है कि एक देश का राज्याध्यक्ष या सर्वोच्च सरकारी अधिकारी राजनय के कार्य में स्वयं भाग लेता है तो उसे शिखर राजनय की संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनकर्ता एल्मर फ्लिस्के ने शिखर राजनय को बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि शिखर राजनय व्यापक रूप में राज्य के प्रमुख या सरकारी स्तर के अध्यक्ष के द्वारा विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण और प्रकाशन के रूप में शिखर राजनय को समझा जा सकता है। तो शिखर राजनय शब्द, शिखर का शब्द शाब्दिक अर्थ है राज्य के अध्यक्ष या सरकार के अध्यक्ष से, और उसके द्वारा जो राजनय किया जाता है उसे शिखर राजनय के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। प्राचीन काल में जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं थी, स्वयं राजा देश के आंतरिक और बाह्य प्रशासन के लिए चूंकि उत्तरदायी होता था तो वो दूसरे देश के राजा से स्वयं बातचीत करता था, तो वो भी शिखर राजनय था। और वर्तमान समय में अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाएं विद्यमान है, तो ऐसा नहीं है कि राजा नहीं है तो शिखर राजनय नहीं है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में भी जो राज्याध्यक्ष होता है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या चुनावा कोई भी शीर्षस्थ पदाधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, वो अधिकारी शिखर वार्ताओं में भाग लेता है, या सरकार के द्वारा नियुक्त सर्वोच्च पदाधिकारी अगर शिखर वार्ता में भाग लेता है तो वो भी शिखर राजनय ही कहलाता है। तो शिखर राजनय प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा संपन्न किया जाता था, और वर्तमान समय में जो राज्याध्यक्ष हैं उनके द्वारा जब आपस में अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय विषयों का समाधान करने का प्रयास किया जाता है समस्याओं का, तो उसे हम शिखर राजनय की संज्ञा दे सकते हैं। और ये शिखर राजनय वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है। जब दो या दो से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करते हैं, आपसी वार्ता करते हैं और फिर संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित करते हैं, उस विज्ञप्ति में आपसी संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न मुद्दों पर जो उन दोनों देशों के बीच में या जो भी शिखर राजनय में सम्मिलित हुए थे उनमें आम सहमति के जो दृष्टिकोण विकसित होते हैं उन दृष्टिकोणों की झलक संयुक्त विज्ञप्ति में दिखाई देती है, और उसे ही शिखर राजनय का जो परिणाम है वो कहा जाता है। और इसमें मुख्य बात ये रहती है कि जिन मुद्दों पर असहमति होती है उस असहमति को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है, और ये आशा व्यक्त की जाती है कि जिन मुद्दों पर असहमति है उनके हल भी आगे भविष्य में निकाल लिए जाएंगे, इसलिए उन विषयों को नहीं उभारा जाता है। और शिखर राजनय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में काफ़ी प्रचलित हुआ, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने और सोवियत संघ के जो नेता थे उनके बीच में शिखर सम्मेलन आयोजित होते रहे और विश्व समस्याओं के समाधान में काफ़ी इनसे मदद मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव के बीच में होने वाले शिखर सम्मेलनों ने विश्व राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और इसके बाद में जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई उसमें सारे विश्व के देशों की निगाह लगी रहती थी कि अब इसका क्या परिणाम सामने आएगा और राजनीतिक क्षेत्र में उसके क्या परिणाम होंगे, इसका भी गहन अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार से ये समझा जा सकता है कि शिखर राजनय बड़े राज्यों के राज्याध्यक्षों और सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों का वो व्यक्तिगत सम्मेलन है जहां पर सामान्य राजनयिक मार्ग अपनाने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निर्णय लेने का कार्य
किया जाता है और कई बार राज्याध्यक्षों या सर्वोच्च अधिकारियों के द्वारा इस संबंध में आपस में पत्र व्यवहार भी किया जाता है और कई बार निजी प्रतिनिधि भी भेजे जाते हैं। तो ये भी शिखर राजनय का ही एक स्वरूप माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में शिखर राजनय ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। तो शिखर राजनय की लोकप्रियता के कुछ विशेष कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि संचार व्यवस्था में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में पहुंचना काफ़ी आसान हो गया है। हवाई यात्राओं के माध्यम से एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में आसानी से पहुंच जाते हैं और आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आज विश्व विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है और छोटी सी भी आक्रामक कार्यवाही या आक्रामक स्टेटमेंट्स जो राज्यों के द्वारा दिए जाते हैं उनके कारण से युद्ध भड़क सकते हैं और ऐसी स्थिति में अगर हमें मानवता की रक्षा करनी है तो युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए आपस में शीर्ष स्तर पर ही तत्काल प्रयास किए जाएं तो वो मानवता को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और एक लंबी राजनयिक प्रक्रिया जो लंबे समय तक चलती रहे और समस्याओं का समाधान निकालने में जिसमें देर हो, इसकी अपेक्षा सीधे ही अगर राजनयिक जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अगर मिलते हैं तो इससे समस्याओं के समाधान में तेजी आती है। इसलिए शिखर राजनय काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस जो दो महाशक्तियां हैं इनके बीच में जो शिखर राजनय अपनाया गया शीत युद्ध के काल में, तो इस शिखर राजनय से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मिला और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो शिखर राजनय आयोजित किए तो इसके सम्मेलनों के माध्यम से भी राष्ट्रों के राज्य अध्यक्षों के बीच में व्यक्तिगत संपर्क बढ़े और फिर उन्होंने अपने देशों में जाकर अन्य देशों के साथ में आपस में बातचीत और सम्मेलनों का दौर जारी रखा जिससे आपस में भी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिली। तो इस तरह से शिखर राजनय जब दो राज्यों के बीच में राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत होती है तब भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए संगठनों में जब राष्ट्राध्यक्ष आपस में चर्चाएं और बातचीत करते हैं तब भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम राय कायम करने में भी मदद मिलती है और तत्काल सॉल्व की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी विचार विमर्श होता है ताकि युद्ध को मानवता से अधिक समय तक दूर किया जा सके। शिखर राजनय की जो विशेषताएं हैं अब हम उसको देख सकते हैं। शिखर राजनय की जो प्रमुख विशेषता है कि एक तो राज्य या सरकार के प्रमुख द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है उसे व्यक्त किया जाता है। विदेश नीति संबंधी मुख्य निर्णय राष्ट्राध्यक्ष ले लेता है और इस प्रकार से जो नीति संबंधी वक्तव्य होते हैं उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को तत्काल जानकारी मिल जाती है। उस राष्ट्रपति का नाम उस नीति से जुड़ जाता है और लोग उस नीति को उस राष्ट्राध्यक्ष के नाम से भी समझने लग जाते हैं। जैसे मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, विल्सन के 14 पॉइंट्स थ्योरी या 14 सिद्धांत, टफ्ट का डॉलर राजनय, रूजवेल्ट की अच्छे पड़ोसी की नीति, चार स्वतंत्रताएं, आइजनहावर सिद्धांत, ब्रेजनेव योजना, इन सब में राष्ट्रपतियों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम जुड़े हुए हैं और ये जो राजनय है ये इन्हीं राष्ट्रपतियों के नाम से जाना जाता है, प्रचलित है। दूसरा इसकी विशेषता ये है कि मुख्य कार्यपालिका राजनय जो भी मुख्य कार्यपालिका होती है उसके द्वारा जो भी राजनयिक हैं या डिप्लोमेट्स हैं उनके
उनके द्वारा जो पत्र, व्यक्तिगत पत्र व्यवहार किए जाते हैं, और जो तार, शुभकामना, शोक संदेश, औपचारिक पत्र व्यवहार भेजे जाते हैं, उसका मतलब शिखर राज ने नहीं है। ये एक रूटीन का कार्य होता है। और शिखर राज ने का जो मतलब है, जो महत्व है, वो ये है कि दो राज्यों के बीच में संघर्ष होने की स्थिति में तत्काल जो बातचीत की जाती है और जो नीतियां तय की जाती हैं, वो शिखर राजने को दर्शाती हैं। तो आज के युग में पत्र व्यवहारों की संख्या अधिक होने के कारण पत्राचार राजने शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। और जो राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष होते हैं, वो तत्काल अपनी प्रतिक्रिया किसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर व्यक्त करते हैं और किसी दूसरे राज्य में अपनी राय प्रकट करने के लिए अगर कोई पत्र व्यवहार करते हैं, तो उसे भी हम शिखर राजने का एक रूप कह सकते हैं। शिखर राजने में दो राज्यों के संघर्ष होने की स्थिति में तीसरे राज्य के द्वारा मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई जा सकती है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है ये तत्काल, या जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अगर किसी तीसरे राज्य के द्वारा प्रयास किया जाता है, तो वो भी शिखर राजने में हम उसको ले सकते हैं। शिखर राजने में व्यक्तिगत राजनयिक प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। कभी कभी मुख्य कार्यपालिका या राज्य अध्यक्ष के द्वारा विदेशों में अपना व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ाने के लिए या फिर विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किसी विशेष राजनयिक प्रतिनिधि की भी नियुक्ति की जाती है। तो फिर भी ये प्रतिनिधि अपना कार्य करते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे ही कार्य करते हैं, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसलिए ये भी शिखर राजने भी ही कहा जाता है। और हालांकि ये शिखर राजने की एक तरह से कमजोरी है, क्योंकि उस देश में बकायदा विदेश सेवा संचालित हो रही है, विदेश सेवा के प्रतिनिधि राजदूत काम कर रहे हैं, फिर भी राज्याध्यक्ष के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की, विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन फिर भी वो विशेष प्रतिनिधि किसी विशेष समस्या के निराकरण के लिए या जानकारी एकत्र करने के लिए या राज्याध्यक्षों के विचारों को आके आदान प्रदान के लिए अगर उसकी नियुक्ति की जाती है, तो वो शिखर राजने का एक रूप है। और किसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या या आपसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जाता है, तो ये शिखर राजने का एक रूप माना जाता है। हालांकि ये एक रूटीन की राजनयिक सेवा से अलग प्रकार का कार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं शिखर राजने का एक प्रमुख पार्ट होती हैं। विदेशों में राज्य अध्यक्ष के द्वारा मुख्य कार्यपालिका के द्वारा यात्राएं की जाती हैं, विशेष यात्राओं का आयोजन किया जाता है और समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित प्रयास किए जाते हैं। तो यात्राएं आज ये एक आवश्यक अंग बन गई है, क्योंकि यात्राएं हवाई यात्राओं के कारण बहुत आसान भी हो गया है यात्रा करना, और इसके माध्यम से विदेशों से व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाए जाते हैं और कई बार विदेशी जनता को संबोधित करके जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। विदेशी मेहमानों का स्वागत और आदर किया जाता है, जिसे मीडिया के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जाता है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। एक देश की जो जीवन शैली है, वो विदेशी जो जिन राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है, उनको उन जीवन शैली के दर्शन कराए जाते हैं, और इससे स्वयं जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रभावित होते हैं। और इस प्रकार के प्रभाव का जो असर है, वो
अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान या दो देशों के बीच में कई बार अच्छा देखने को मिलता है और विदेश संबंधों का रूप इससे निर्धारित होता है। मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तिगत राजनय का एक विकसित रूप देखने को मिलता है शिखर सम्मेलन के रूप में, और ये शिखर सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से काफ़ी प्रचारित हो गए हैं और दो राज्यों के बीच में और अधिक राज्यों के बीच में कई बार शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, और इन शिखर सम्मेलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान और विश्व शांति की स्थापना के लिए जो प्रयास किए गए उसमें राष्ट्र के अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालिका के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। तो इस प्रकार से शिखर सम्मेलन के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि शिखर सम्मेलन क्यों आयोजित किया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिखर सम्मेलन में सर्वोच्च अधिकारियों के आपस में व्यक्तिगत संबंध घनिष्ठ होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप दो देशों की सरकारों के बीच में भी अच्छे संबंध बनते हैं और जनता में भी आपसी संबंधों में मधुरता आती है। इसी तरह से राज्याध्यक्ष आपसी विचार विमर्श करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी समस्या आ रही है, जितना जल्दी उसका समाधान निकाल लिया जाए उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि समस्या जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ही उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण से तुरंत निर्णय भी लिए जाते हैं, और चूंकि उच्च अधिकारी उपस्थित रहते हैं और उनके हाथ में निर्णायक शक्ति भी होती है, तो निर्णय भी जल्दी लिए जा सकते हैं। तो इससे नियमों में देरी के कारण जो भी कुछ समस्याओं के समाधान में दिक्कत आती है उनसे इस शिखर राजनय के कारण इस देरी को टाला जा सकता है। कई बार शिखर राजनय के द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त कर दी जाती है और बाद में उसके लिए आगे कार्रवाई नीचे की जो मशीनरी है, राजनयिक मशीनरी, उसको छोड़ दी जाती है। तो लेकिन सिद्धांततः सहमति होने पर शिखर राजनय सफल समझा जा सकता है, क्योंकि उसी के सपोर्ट के लिए बाद में पत्र व्यवहार या अन्य कार्य देशों के द्वारा किए जाते हैं। कई बार जो राजनयिक संबंध राजनयिक मशीनरी के द्वारा किए जाते हैं उस तरीकों में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन अगर दो शीर्षस्थ पदाधिकारी आपस में मिलते हैं तो उस तरह के जो अवरुद्ध मार्ग हैं उनको खोलने में भी, समाधान करने में भी बहुत महत्वपूर्ण उनके द्वारा रोल अदा किया जाता है, और बहुत लंबे विवाद के मसले भी कई बार इससे बहुत जल्दी सरल हो जाते हैं और उनके समाधान में मदद मिलती है। शिखर राजनय में चूंकि राज्य के बड़े नेता, राष्ट्रपति अधिकारी, सरकारी अधिकारी भाग लेते हैं, तो उनकी गतिविधियों और उनकी उपलब्धियों से विश्व राजनीति और जो विश्व की जनता है उस पर त्वरित रूप से प्रभाव पड़ता है, संसार का ध्यान आकर्षित होता है, और इस तरह से शिखर राजनय में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की छवि को भी सुधारें और समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। शिखर राजनेता अगर बहुत प्रभावशाली हैं और अपने व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने या अपने देश की किसी समस्या को सुलझा सकते हैं, तो इससे इस संभावना को बढ़ावा मिलता है और समस्याओं को निपटाने या अन्य नई समस्याएं न आए इसके लिए वो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इसलिए शिखर राजनय बहुत ही लोकप्रिय हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय राजनय के क्षेत्र में शिखर राजनय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और ये माना गया है कि शिखर राजनय में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान
के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रयास किए जाते हैं, मन लगाकर प्रयास किए जाते हैं। और जो शिखर राज्य आयोजित किया जाता है उसका उद्देश्य होता है कि आवश्यक जन समर्थन भी अर्जित किया जाए और जो जटिलताएं हैं उनको कम करके बहुपक्षीय समझौते किए जाएं और अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ के काम किया जाए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।